भाजपा और उसके मंत्री रोजाना जनता के सामने रोजगार के झूठे दावे करते मिल जाते हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी इस हद तक पहुंच चुकी है कि भाजपा के नेता अपनी ही पार्टी को कोसने में लगे हैं। और अब इसी कड़ी में भाजपा नेता वरुण गांधी ने एक बार फिर से बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए अपनी ही सरकार की असफलता पूरे देश के सामने ला कर रख दी है, और जिसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा हो गई है और खासकर उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है, क्योंकि वरुण गांधी ने ये बयान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए कहा है। असल में वरुण गांधी ने ट्वीट कर पुलिस भर्ती को लेकर सवाल उठाए हैं, और वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 4 साल से यूपी पुलिस की भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों छात्र ओवर एज हो चुके हैं, ना भर्ती मिली ना कोई उम्मीद। सोशल मीडिया पर वह लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं, पर सुनवाई नहीं हो रही है। यही छात्र जब सड़क पर आएंगे तब उन पर उपद्रवी होने का आरोप लगेगा, क्या ये अन्याय नहीं है? वहीं आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि वरुण गांधी ने बिना नाम लिए ही अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाई हो। असल में इससे पहले वरुण गांधी ने 20 अक्टूबर को ट्विटर पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें प्राइवेट स्कूल की एक बच्ची रोते हुए बता रही थी कि स्कूल प्रबंधन ने फीस ना जमा होने के कारण उसे परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी। वहीं वरुण गांधी ने वीडियो के साथ लिखा था कि इस बेटी के आंसू उन लाखों बच्चों की संयुक्त पीड़ा बता रहे हैं जिन्हें फीस ना जमा होने के कारण उपहास झेलना पड़ता है। आर्थिक तंगी बच्चों की शिक्षा में रोड़ा ना बने, ये हर जिले के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है। निजी संस्थान मानवता ना भूले, शिक्षा व्यापार नहीं है। वहीं अपनी ही पार्टी को लताड़ने और योगी सरकार की असलियत सबके सामने लाने के लिए सोशल मीडिया पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में एक सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं कि माननीय वरुण गांधी जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जो आप जैसे व्यक्ति हम बेरोजगारों का दर्द समझता है और समझना भी चाहिए, लेकिन क्या करें, ये बीजेपी की सरकार नहीं बेरोजगारों को रोजगार देना चाहती है, न ही प्रदेश में कुशल मंगल तक चाहती है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम। एक दूसरे यूजर का कहना है कि ये बीजेपी की सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है। माननीय श्री वरुण गांधी जी, आपको शायद ज्ञात होगा यूपी पेट के बारे में इतनी बुरी हालत देश के किसी कोने में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, इतनी बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, लेकिन बाबा को गांजा पीने से फुर्सत ही नहीं है। एक और यूजर ने लिखा कि 4 साल से अधिक समय हो गया, बेसिक शिक्षा विभाग में लाखों पद प्राथमिक शिक्षा के रिक्त हैं, सरकार खुद मानती है, लेकिन भर्ती अभी तक नहीं, कल ट्विटर आंदोलन है, आपका सहयोग चाहिए सर। एक और यूजर ने लिखा कि भारत में जनता का लोकतंत्र सिर्फ वोट वाले दिन रहता है, चुनाव खत्म फिर जनता का लोकतंत्र खत्म फिर नेताओं का मनतंत्र शुरू। भारत में सच्चा लोकतंत्र तभी होगा जब नेताओं के गले में रिटायरमेंट का पट्टा होगा, अर्थात 65 की उम्र के बाद चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, फिर नेता हमेशा नौकर बनकर रहेंगे। इस खबर में सिर्फ इतना ही, ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहें MIM News Express।